सेंट मेरी स्कूल के 9th क्लास के ए बी डिवीजन के सभी हमारे बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज, आप सभी को हमारा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जब भी टाइम मिले आप हमारा वीडियो देख के आप वर्क करेंगे, इसलिए आप सभी को बोला। हमने फर्स्ट जो हमारा लेसन था उसी में हमारा फर्स्ट टेस्ट, उसमें क्या क्या आएगा ये आपको बताया। तो उसी चैप्टर में से हम पूरा पहले से इजी वर्क करेंगे, क्योंकि हर साल हमारा एक ही पीरियड होता है, हमारा काम भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसी साल हमको पूरा समय ज़्यादा मिला है। और आप घर पर भी हो, आप कहीं बाहर नहीं जाने वाले हो, तो आपके पास पूरा समय है, तो उसी में हम ड्राइंग पूरा अच्छा करके अच्छे ड्राइंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम लेटरिंग यानी कि हमारा जो अक्षर है उसी को हम अच्छी तरह पेंट करके कोई भी स्लोगन बनाएंगे। तो आज हम स्लोगन बनाने जा रहे हैं, सेव द गर्ल्ड चाइल्ड। कई बार हमको स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है, हम ड्राइंग करते हैं तब हमको पता है कि हमको सेव द गर्ल चाइल्ड लिखना है, लेकिन आप जब ड्राइंग कर रहे हो तब हमारी कभी भी कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई एक लेटर हम भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं है इस बार। तो उसी में आपको ये सेव द गर्ल चाइल्ड 1, 2, 3, 4 पार्ट्स किए हुआ है, तो उसी को आप कैसे अपना ठीक तरह पोस्टर बनाएंगे वो आपको तय करना है। इसके बाद आपको ड्रॉ करना है। आप ऐसे पेपर रख कर भी ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे लैंडस्केप में रख कर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है वो पहले सोच लेना चाहिए। अभी मुझे यही जो स्लोगन है वो लैंडस्केप में अच्छा रहेगा, तो ये लैंडस्केप में बनाने के लिए आपको पूरा इस तरह पहले स्केल से ये बनाने का है, पूरा नाप लेके आपको बनाना है। इस तरफ का एक पूरा बोर्ड यानी कि पोस्टर का माप बना दो, उसके बाद आप उसमें ये सेव द चाइल्ड कहाँ लिखना चाहते हो वो तय कर लो कि मुझे सेव द चाइल्ड यहाँ लिखना, सेव दी यहाँ लिखना है और गर्ल चाइल्ड यहाँ लिखना है। या तो आप दोनों एक साथ लिख सकते हो, इधर और इधर, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो और बीच में भी लिख सकते हो। ये आपको तय करना है कि मैं कैसे लिखूं और कितना अच्छा दिखाई देगा। दूर से कोई भी देखे तो मेरा ड्राइंग कैसे दिखाई देता है वो आपको तय करना है। तो इसलिए सबसे अच्छा ड्राइंग बने, इसलिए आपको ये तय करके फिर आपको ड्रॉ करना है। तो हम अभी इसमें दिया गया है उसी मुताबिक आपको यहाँ ड्राइंग बनाने हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो छोड़ना है, फिर यहाँ से आपको ऐसे आप स्केल लेके पूरा सेंटीमीटर में या तो इंच में आप यहाँ पार्ट्स छोड़ देते हो कि इतना वर्क मुझे करना है। तो यहाँ सपोर्टेड लाइन बनाना है तो ऐसे आप सपोर्ट लाइन बना सकते हो। यह पूरा स्केल से आपको बनाना है।
थोड़ा दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ मेरी गलती है, या तो स्केल से आप सेंटीमीटर से ही अपना नाप छोड़ देंगे तो फिर अच्छा बनेगा। वैसे बिना माप के आपको ड्राइंग करना ही नहीं है, आप पूरा माप लेके ड्राइंग करना है। फिर आपको देखना है कि मुझे लेटर कैसे बनाना है, सिंपल लेटर बनाना है, एट्रैक्टिव लेटर बनाना है। इसमें दिया गया लेटर बनाना है तो आपको ऊपर वाली लाइन है वो बनानी चाहिए, ऊपर वाली लेटर में नीचे वाली लाइन है, ये दोनों लाइन है, इधर भी लाइन, ये सभी में ऊपर है, ये नीचे वाले में भी ऊपर लाइन है, इधर भी ऊपर है, इधर भी नीचे लाइन दिया है। तो हम दूसरी लाइन इसको लेटर के लिए बनाएंगे ऐसे। इसके साथ ही कितना उसका चौड़ा बनाना है हमको लेटर को, इतनी लाइन हम यहां बनाएंगे दोनों में। ऐसे ये बना के आपको फिर देखना है कहां से मैं लिखूंगा और कहां मेरा ड्राइंग पूरा होगा। तो यहां आपको उसका माप ले लेने का है। इसमें ये हो गया, फिर नीचे यहां से आपको ये लिखना है, और यहां पूरा हो गया। फिर अब आपको ये जो लेटर है उसको आपको लिखना शुरू करना है। तो इधर आपको ये दोनों लाइन का यूज करके इधर से लेटर बनाने का है। फिर आपको इधर से, सॉरी थोड़ा नीचे लेना है ये लेटर को दोनों लाइन में, ए करना है। तो इधर से यही जो हमका लाइन दिया गया है उसी का यूज करके इधर से फिर आपको वी बनाना है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है उसी में से हम बनाएंगे। इसमें भी इधर तरफ वाला हिस्सा चौड़ा, इधर वाला छोटा, ई बनाने का है। ये सभी लाइनें आपको आपको स्केल दिया गया है, स्केल से ही आपको करना है, हाथ से नहीं करना है। स्केल से आप सभी लाइन बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेंगी। फिर आपको यहाँ से टी बनाने का है, यहाँ से थोड़ा जगह आपको छोड़ना है, फिर यहाँ से हम टी स्टार्ट करेंगे।
एच, दोनों स्केल से इधर से नाप लेके आपको ये स्केल से बनाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। इधर से इधर पूरा माप, ये माप, ये और ये सभी एक जैसा होना चाहिए। ये तो आपने एक बार बना दिया, अभी दूसरी बार बनाना है तो ये इजी हो गया आपके लिए। ये हो गया, फिर आपको नीचे की लाइन में बनाना है इधर से। ये हमारा दूसरा लाइन है, इधर से आपको ड्रॉ करना है। आई इजी है, पूरा इस तरफ ले लो, पूरा इस तरफ ले लो। लेकिन सभी जो आप लेटर बनाते हो सभी का चौड़ाई एक जैसा होना चाहिए, न पतला न बहुत कड़ा। आर बनाना है तो ऐसे आप पहले इस तरफ का हिस्सा बना दो, इसके साथ होगा इधर तक, ये पूरा स्केल से करना है आपको। इधर थोड़ा छोटा कर देना है और इधर से ऐसे आपको टर्न करना है। फिर यहां से एल, फिर आपको यहां से जी बनाया, ऐसे ही चाइल्ड बनाने का है। एच आपने ऊपर बनाया है, ऐसे ही एच यहां भी आपको बनाना है। फिर यहां हमने आई बनाया था इस तरफ, तो आपको इस तरफ आई बनाने का है। ये तो वांधो नहीं, आगे लखाई गई तो कहीं वांधो नहीं। आई बना दिया, फिर हमको यहां एल बनाया है, ऐसे ही एल यहां बनाने आए। कई लेटर है हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं तो इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको बनाना है डी, ये नया है थोड़ा, तो डी में भी यहाँ इस तरफ दोनों स्ट्रेट लेंगे
नीचे से भी स्ट्रेट लेंगे, यहाँ भी स्ट्रेट, फिर उनको राउंड, हाफ राउंड में बनाने का है। ये हमारा जो है सेव द गर्ल चाइल्ड, यह हमारा राइटिंग हो गया। आप उसको, क्योंकि मेरे पास अभी लंबा स्केल नहीं है इसलिए मैंने स्केल का यूज नहीं किया, सॉरी सभी के लिए। तो आपको ये स्केल लेके बनाना है, फिर यहाँ आपको सेंटर में ढूंढ के ऐसे राउंड बनाना है। थोड़ा अप हो गया, थोड़ा नीचे डाउन बनाने का है। यहाँ से एक राउंड बना सकते हैं आप, इतना उसके साथ जोड़ना है। ये राउंड बनाने के बाद इधर से ये बना लिया, पूरा राउंड बीच में, और इधर से इधर उनको बाहर निकालना है। इसको यहाँ ये सपोर्ट लाइन है, उसको मिटा देना है। फिर इधर से भी आपको ये बनाने का है, ये ड्राइंग हो जाने के बाद आपको उसको अपने हिसाब से कलरफुल बनाना है। इसमें आपको वाटर कलर का यूज़ करना है। आपके पास ड्राइंग बुक है तो ये पूरा ड्राइंग दिया गया है आपको, वो दोनों ओर से आपका जो बैलेंस है ड्राइंग का वो ठीक तरह होना चाहिए। आपको पेज नंबर 27 पे पूरा बाउंड्री बताया है, पेज का हमको दिया है, उसी पेज में हम लैंडस्केप की तरफ रख के यहाँ हम ड्राइंग बनाएंगे। या तो आपके पास ड्राइंग बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी पेज लग सकते हो। आपको स्केच बुक लिया होगा तो उसी में ये ड्राइंग आपको बनाना है। उसी में यहाँ आपको उसका मेजरमेंट भी दी गया है, उसमें 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, 15 बाई 25, उसी में आप कर सकते हो 16 बाई 20 सेंटीमीटर एंड 15 बाई 25 सेंटीमीटर में ये ड्राइंग पहले पेंसिल से, पूरा पेंसिल लाइट पेंसिल में बनाने का है, पूरा डार्क बनाने का नहीं है। जब आप कलर उसमें फिलअप करेंगे तो डार्क होगा तो आपका कलर अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसीलिए पूरा ड्राइंग है आपको पूरा पेंसिल से वजन देके, यानी के पूरा डार्क बनाने का नहीं है, पूरा सिंपल यानी के
लाइटिंग पेंसिल हमारी जैसे चलते हैं, हमको ही सिर्फ दिखाई दे, दूसरे को दिखाई नहीं दे। हम जब ड्राइंग करते हैं तो हमारा पेंसिल वर्क है वो हम ही देख सकें, दूसरों को देखने के लिए नज़दीक आना पड़ेगा। तो ऐसे आपको ड्राइंग करना है, पूरा आपको वजन दे के ड्रॉइंग में पूरा लाइन बनाने का नहीं है। जब इरेजर आप करेंगे तो भी नहीं मिटेगा, ऐसे आपको पेंसिल का यूज़ नहीं करना है। हर बार आपको बताता हूँ, कोई भी ड्राइंग वर्क करो तो उसको सिर्फ टच करो, पेंसिल टच करके लाइन बनाओ, पूरा उसको वजन नहीं देने का, पूरा ऐसे आपको पूरा वजन दे के ये लाइन खींचने का नहीं, ये लाइन सिर्फ ऐसे करने का। ये देखो दूर से दिखाई देती है, ये नज़दीक से दिखाई देगी, इसीलिए आपको पूरा इस तरफ ड्राइंग बनाने का है। आपको पूरा अच्छा ड्राइंग हो गया, कलर भी हो गया, आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा उसको ठीक करना है, तब आप पेंसिल से उसको ठीक कर सकते हैं। ये ड्राइंग हो जाने के बाद ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री में आप ब्लैक स्केच पेन लेके उसको बाउंड्री कर सकते हो। इसी में आपको बाउंड्री करना नहीं है, इसी में सिर्फ आपको कलर ही फिलअप करना है, इसलिए आपको कलर चॉइस करना है, जो भी अच्छा कलर आप देखो। फिर ये सपोर्टेड लाइन सब मिटा देना है, सिर्फ आपको सेव द गर्ल चाइल्ड इतना ही दिखाई देना चाहिए। ये सभी हमने सपोर्ट में बनाया है, क्योंकि हमारा काम ठीक हुए, एग्जैक्ट हुए, एक्यूरेट हुए, इसीलिए हमने सपोर्ट लाइन बनाया है। तो ये सपोर्ट लाइन को मिटा देना है, हमारा वर्क हो गया तो ये सभी सपोर्ट लाइन है उसको हम मिटा कर ठीक तरह अच्छा ड्राइंग हम बनाएंगे, उसके बाद हम उसको कलरफुल बनाएंगे। अगर आपको दूसरा कोई भी वर्क उसमें करना है तो आप ड्राइंग बुक में दिया गया सजेशन है कि आप लेटरिंग कुछ अलग सा करना चाहते हो तो सेव द गर्ल चाइल्ड कर सकते हो, दूसरा प्रैक्टिस के लिए गुड मॉर्निंग ये भी कर सकते हो, और सत्यमेव जयते उसका भी आप लेटर में अलग अलग सा लेटर आप निकाल के, ये हमने थोड़ा श्रृंगार वाला यानी कि एट्रैक्टिव लेटर उसमें किया है। आप सिंपल लेटर भी ऐसे बना सकते हो, ऐसे सिंपल लेटर में आप बना सकते हो, जैसे आप चाहो ऐसे लेटर में। दूसरे जो आपको दो यहाँ दिया गया है अपने बुक्स में, उसी मुताबिक आप इंग्लिश में ये अपना लेटरिंग यानी कि लेटर राइटिंग कर सकते हो। तो ये आपको ये पहला लेसन है, यहाँ का पहला लेसन ख़त्म हो गया, ड्राइंग हमारा शुरू हो गया। तो ये ड्राइंग का पहला है, तो ये पूरा हो जाने के बाद हम दूसरा आगे जो हमारा सब्जेक्ट में है, फर्स्ट सेशन में आपको पूरा करना है उसी का ड्राइंग हम करेंगे। आपके पास ड्राइंग बुक है तो आगे आगे अपने आप कोई भी ड्राइंग करना नहीं है, यहाँ से जो आपको गाइड किया जाएगा ऐसे ही ड्राइंग आपको पूरा करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।